हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसका रिजल्ट आपको वन एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सो आज एक स्किन केयर वीडियो मैंने लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा एंड तक देखना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो आज का रेमेडी दोनों स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में हम आपको चाहिए एक इनो। सो इसको मैं पूरा ले लूँगी एक बोल में, एंड उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन। आप जो जो जगह पे यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लेमन ले लेना। अगर आप फुल मतलब नी पे एंड एल्बो पे, गर्दन पे, हर एक जगह पे यूज़ करोगे तो पूरा लेमन भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ गर्दन में यूज़ करूँगी, इसलिए मैं हाफ लेमन यूज़ किया एंड हैंड पे यूज़ करूँगी। इससे मैं हाफ लेमन से हो जाएगा। सो इसको आप ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कितना फोम क्रिएट हुआ। इसको अच्छे से आपको फाट लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड थोड़ी देर बाद ये सेट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो कैसे ये बेलून फट रहा है। सो ये जो जूस है वो मतलब क्रिएट करना हो गया। इसके बाद स्टेप टू के लिए जो रेमेडी है वो प्रिपेयर कर लूँगी हम लोग। उसके लिए मैंने ले लिया एक पोटैटो, जिसको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी एंड उसका जूस निकाल लूँगी। एक टी स्ट्रेटनर की हेल्प से अच्छे से इसका जूस निकाल लूँगी। सो आप देख सकते हो मैंने जूस को निकाल लिया, एंड इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून बेसन, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए इसलिए। एंड उसके अंदर मैं ऐड किया 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। सो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एंड नाउ टाइम फॉर एप्लीकेशन। सो बिफोर पिक्चर आप देख सकते हो कि इसका हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो गया। ये बिल्कुल भी केयर नहीं करता मेरा सिस्टर। सो इसे मैंने इसके ऊपर ही अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ पे कॉटन की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। पहले आपको नेक को अच्छे से क्लीन कर लेना है। वाटर नॉर्मल पानी से आप क्लीन कर सकते हो। उसके बाद मैं ये कॉटन बॉल की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर दूँगी एंड छोड़ दूँगी 15 मिनट्स के लिए। आप ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बिफ़ोर एप्लीकेशन, बिफ़ोर पिक्चर कैसा है। एंड मैं इसका मेरा सिस्टर का हैंड पे भी अप्लाई कर दूँगी एंड छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। उसके बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाए, देख सकते हो पूरा ड्राई हो गया। इसके बाद मैं एक टॉवल की, कॉटन की टॉवल की हेल्प से अच्छे से इसको वाइप ऑफ कर दूँगी। एंड वन स्टेप में ही आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रिज़ल्ट आप लोगों को दिख रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कैमरा में। सो या हैंड पे भी मैं अच्छे से इसको वाइप ऑफ कर लूँगी। ये जो स्टेप है ना, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलने वाला है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। मुझे भी फर्स्ट एप्लीकेशन में अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। सो सेकंड स्टेप के लिए मैंने जो पेस्ट बना के रखा था उसको अच्छे से अप्लाई कर दूँगी एंड इसको मैं छोड़ दूँगी लगभग 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। सो मैं नेक के साथ साथ इस मेरे सिस्टर का हैंड पे भी अप्लाई कर दूँगी एंड इसको भी छोड़ दूँगी इसको ड्राई होने के लिए। सो मैं कुछ बता देती हूँ, कुछ पॉइंट आपको क्लियर करना है कि इसको अप्लाई करने के बाद तुरंत धूप में मत जाना एंड मेक श्योर करना है आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सो 20 मिनट्स हो गया, नाउ मैं इसको वाइप ऑफ कर लूँगी एंड आप देख सकते हो रिज़ल्ट कैसा आया है। मुझे तो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अब देख, बिफोर आफ्टर पिक्चर तो आप लोगों का सामने ही है कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बहुत मतलब एक वॉश में तो पूरा नहीं उठ जाएगा, तो बहुत हद तक उठ गया। सो अगर आप इसको 15 डेज में या 10 डेज में एक बार या 7 डेज में एक बार अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करना एंड वापस आके मुझे कमेंट करके बताना कैसा रिज़ल्ट मिला है। आई होप आप लोग आज का वीडियो हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर देना, कमेंट पे बताना कैसा लगा है। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना। इससे मैं जब जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जल्दी हो फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।